टेंथ फेल हो गए थे वहाँ से। फिर टेंथ फेल होने के बाद मेरे उधर नहीं से दिए, उधर नहीं में के बाद में फिर प्राइवेट दिए हमने ट्वेल्थ मैथ साइंस में। तो सर उसके बाद में सर एनडीए किए, एनडीए की तैयारी की। उसके बाद में सर हमारे पास एक ही ऑप्शन था और लास्ट बार था सर वो, तो उसमें फर्स्ट बार में हमने निकाल दिया एनडीए। ये है छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहने वाले गजेंद्र चौधरी। गजेंद्र का बचपन से ही एयरफोर्स में जाकर देश की सेवा करने का सपना था, लेकिन इस सपने में उनके पिता की गरीबी आड़े आ रही थी। खेतों में काम और मजदूरी करते हुए गजेंद्र का बचपन बीता और उसका परिणाम ये निकला कि बेहतर संसाधन और माहौल के अभाव में ये 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। लेकिन इसके बाद भी गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना के तहत फिर से 10वीं की परीक्षा दी और फिर प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की, जिसके बाद वो 12वीं में भी टॉपर रहा। साथ ही गजेंद्र ने एनडीए की परीक्षा बेहतर अंकों से पास कर ली। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुरैया, तो सर वहाँ पे 9th किए हैं, 10th फेल हो गए थे वहाँ से। तो 10th फेल होने के बाद मेरे उधर नहीं से दिए, उधर नहीं में के बाद में फिर प्राइवेट दिए हमने 12th मैथ साइंस में। तो सर उसके बाद में सर एनडीए किए, एनडीए की तैयारी की। उसके बाद में सर हमारे पास एक ही ऑप्शन था और लास्ट बार था सर वो, तो उसमें फर्स्ट बार में हमने निकाल दिया एनडीए। तो अभी आपकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ चल रही है? सर ट्रेनिंग पुणे खड़गवासला में चल रही है। तो इसके लिए आपने कहीं कोई कोचिंग वगैरह या आपने घर में मेहनत की थी? सर ऑनलाइन कोचिंग की है GS अकेडमी से देहरादून, और घर में भी मेहनत की है। आपने ये एयरफोर्स की फील्ड ही क्यों चुनी? सर पापा का भी ड्रीम था, तो जैसे एयरफोर्स के लिए। अब आज आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर इसका श्रेय तो एक अंशु सर है हमारे एयरफोर्स के, उनको भी देना चाहेंगे और फैमिली पापा मम्मी सबको देना चाहेंगे सर, क्योंकि सर ने काफ़ी मेहनत की है, उनने काफ़ी समझाया है, उनकी वजह से आज उस मुकाम में। आप एक गरीब परिवार से हैं, तो आपके माता पिता को आपको पढ़ाने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर, खेत में भी काम करते थे मम्मी पापा, और बाकी मम्मी काम में भी जाती थी। काफ़ी सर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? सर गजेंद्र चौधरी। आपका भी सपना था एयरफोर्स में जाने का? हाँ सपना था, अपना नहीं हो पाया, बच्चे का हो गया, इस बात की खुशी है। ठीक, नाम क्या नाम है आपका? गजेंद्र के पिता ने बताया है कि एक समय उसका भी सपना एयरफोर्स में जाने का था, लेकिन ओवर एज होने के कारण वो पूरा नहीं हो सका। अब उनके बेटे ने एनडीए में चयनित होकर न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अपने सपने को भी पूरा कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहुल सिंह की रिपोर्ट।